टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लूट की योजना बनाते तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो लोहे की रॉड, एक अवैध हथियार सहित एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पहले भी लूट, चोरी, डकैती जैसे कई मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस टीम की गिरफ्त में आए ये तीनों अपराधी कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि इन तीनों अपराधियों के नाम फरीदाबाद, यूपी, हरियाणा में करीब एक दर्जन से भी ज्यादा लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों में दर्ज है। जांच अधिकारी ने बताया कि फरीदाबाद में करीब 11 मुकदमों में ये अपराधी वांटेड है। इन तीनों ने कुछ समय पहले यूपी के मथुरा में करीब 20 लाख की डकैती को अंजाम दिया था। इन अपराधियों के बारे में फरीदाबाद में मथुरा पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। पकड़े गए तीनों आरोपियों के पास से अवैध हथियारों के साथ एक बाइक भी बरामद हुई है, जिसे ये वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस इन आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि और मामलों का खुलासा हो सके। वह लूट डकैती की योजना बना रहे थे, आने जाने वाले व्यक्तियों की और गाड़ी वगैरह लूटने की, तो सूचना मिली थी, तो सूचना के आधार पर ये वहाँ पकड़े, जो इनके कब्जा से एक देसी कट्टा और एक जिंदा रोंद और दो लोहा सड़िया बरामद। इन्होंने जो बताया है भाई, इन्होंने एक मथुरा में डकैती डाली थी राकेश और अपने रिंकू ने, इसके साथ और 6-7 बंदे और थे, वहाँ काफ़ी मात्रा में पैसा लूट डकैती करी थी, जो 95-97 में वहाँ पर्चा दर्ज के पहले भी पकड़ा गया, हतीन भी पकड़ा गया है, नूह भी पकड़ा गया, 10-11 मुकदमे वहाँ अपने फिलहाल फरीदाबाद में जिनमें ये वांटेड है वहाँ इसके हैं। 18 लाख के आसपास की वो लूट थी, डकैती थी, 95-97 को वहाँ मुकदमा दर्ज है, उसमें ये सारे अरेस्ट हो लिए थे।